ब्रेक रहते कि इस वक्त आप एंजल वन को तो खरीदे, आशीष कह रहे हैं कि फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है, लेकिन किन लेवल्स पर खरीदे? राजेश पालविया से एक बार चेक कर लेते हैं। राजेश, कितना और नीचे गिर सकता है ये, या फिर इमीडिएट सपोर्ट कहाँ है जहां से एक बाइंग इमर्ज हो सकती है? तो देखिए प्रियंका जी, स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में था, लेकिन आज की जो गिरावट है उसमें किसने अप स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन यहाँ पे करते हुए दिखा। स्टॉक आज 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसलते हुए दिखा, और आज अभी तक का जिस तरीके का यहाँ पे बिहेवियर है, हमें लगता है कि उसके नीचे ही बंद होते हुए दिखेगा। तो यहाँ पे अब 3500 तो इसके लिए मेजर सप्लाई जोन रहेगा। जब तक ये 3500 के ऊपर वापस नहीं आता, थोड़ा यहाँ पे दबाव देखने को मिलेगा। ऑन द डाउन साइड जो इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट नियर टर्म चार्ट पे जो बनते हुए आ रहे हैं, वो है करीब यहाँ पे 3175-3200 के आसपास। तो वो लेवल यहाँ से काफी इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया जैसा काम करते हुए दिखेंगे। तो 3200 के आसपास अगर ये स्टॉक मिलता है तो हमें लगता है कि एक अट्रेक्टिव लेवल होगा बाय करने के लिए। उस समय वहां पे स्टॉप लॉस रखेंगे 3150 का, और अभी हमें लगता है पुल बैक में मेजर सप्लाई जोन इसका 3500 के आसपास है। अगर ये 3500 के लेवल के ऊपर वापस से क्लोजिंग बेसिस पे उसके ऊपर सस्टेन होना चालू करेगा, तो यह वापस अपने अप ट्रेंड को भी रिज्यूम करते हुए दिखेगा। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म स्ट्रक्चर में कोई भी एज सच वीकनेस नहीं है। नियर टर्म में जरूर एक रिएक्शन मिला है नंबर्स का, तो हमें लगता है ये डिक्लाइन जो मिला है इसको अपॉर्चुनिटी जैसा यूज करना चाहिए। 3200 के आसपास बाय करने की सलाह।